अस्सलाम वालेकुम। पेंट्स इंडस्ट्री में आज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने लगे हैं, ये है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट। अब पेंट को बनाते किस तरह? देखिए, पेंट को बनाने से पहले हमने कुछ ना कुछ चीज़ें सीख ली हैं। मसलन हमारे पास पिगमेंट्स क्या होते हैं, थिनर, ड्रायर, इसके अलावा प्लास्टिसाइजर्स क्या होते हैं, और इसके अलावा बाइंडर की भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, सॉल्वेंट्स क्या होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर ली हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट बातें करेंगे किस तरह आप पेंट को तैयार कर रहे होते हो। तो पेंट को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जी यहाँ पे हमारे पास लगा होता है मिक्सर। अब मिक्सर का काम आपको पता है जी, मुख्तलिफ चीज़ों को मिक्स करेगा। यहाँ पे लगा हुआ जी मिक्सर। अब मिक्सर के अंदर आप मुख्तलिफ चीज़ें डाल रहे होते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें यहाँ पे डाल रहे होते हैं वो होते हैं पिगमेंट। कौन चीज़ होगी? पिगमेंट। अब पिगमेंट ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी भी पेंट को कलर दे रही होती है। पिगमेंट्स कौन सी चीज़ होती हैं? कलरिंग सब्सटेंस होती हैं। कलरिंग सब्सटेंस, इसको हम नाम दे रहे होते हैं पिगमेंट का, जिसको हम डिस्कस कर भी चुके हैं। अब पिगमेंट हमारे पास मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं, मसलन जिंक ऑक्साइड जो वाइट कलर का होता है, कार्बन ब्लैक जो ब्लैक कलर का होगा। तो इस तरह के पिगमेंट हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब पिगमेंट के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो है थिनर और ड्रायर। थिनर और ड्रायर। अब थिनर और ड्रायर ऐसी चीज़ें होती हैं या ऐसी सब्सटेंस होती है जो पेंट को जल्दी खुश्क करने में मदद देती हैं, जो पेंट को खुश्क करने में मदद दे रही होती है, उसको हम नाम दे रहे थे थिनर और ड्रायर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है व्हीकल ऑयल। व्हीकल ऑयल, ऐसा ऑयल जिसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें हल हो जाती हैं, उसको व्हीकल ऑयल का नाम देते हैं। सही है, इसको भी आपने इसी के अंदर डाल देना होता है, यानी ये सॉल्वेंट के तौर पर भी कह सकते हैं, ये काम कर सकता है यहाँ पर। तो इसको भी आपने मिक्सर के अंदर डाल देना है। किसके अंदर डाल देना है? मिक्सर के अंदर। और लास्ट वाली चीज़ है जी प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर, अब प्लास्टिसाइजर का काम क्या होता है? ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो पेंट्स की क्वालिटी को पहले नंबर पर अच्छा, तो ये सारी की सारी चीज़ें याद रखिएगा, पिगमेंट्स के अलावा बाकी सारी की सारी चीज़ें पेंट की क्वालिटी को अच्छा भी कर रही होती हैं। सही है, पेंट की क्वालिटी को अच्छा करती हैं। अब प्लास्टिसाइजर अगर डालते हैं तो फ्लूडिटी अच्छी हो जाती है, पेंट की फ्लूडिटी अच्छी हो जाती है। इसके अलावा उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है, क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है, और उसके अंदर जो इलास्टिक नेचर, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इलास्टिक नेचर बढ़ा देता है, इलास्टिसिटी बढ़ा देगा पेंट की। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपने यहाँ पर याद रखनी है, प्लास्टिसाइजर का क्या काम होता है। अच्छा, मिक्सर के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है ग्राइंडिंग मिल। वो क्या आती है? ग्राइंडिंग मिल। आपके ये सारी की सारी जो चीज़ें मिक्स की हैं, मिक्स करने के बाद ग्राइंडिंग मिल में चली जाती है। ग्राइंडिंग मिल का काम आपको नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये सारी की सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद उनको बारीक बारीक ज़रात में चेंज कर देगी। चेंज इनटू स्मॉल साइज पार्टिकल्स। स्मॉल साइज पार्टिकल्स, ये स्मॉल साइज पार्टिकल्स में मिक्सर के अंदर से जो भी चीज़ आएगी उसको चेंज कर देगी। इसके बाद हमारे पास इसको भेज दिया जाता है थिनर टैंक में। इसको भेज दिया जाता है किस में? थिनर टैंक में। थिनर टैंक, अब थिनर टैंक के अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ें डाल रहे होते हैं, सॉल्वेंट वगैरह। इसी के अंदर हम सॉल्वेंट भी डाल रहे होते हैं, जिसको हम नाम दे रहे होते हैं व्हीकल का। क्या डाल रहे होते हैं? सॉल्वेंट वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और सॉल्वेंट डालने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक थिक सा पेस्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? थिक सा पेस्ट। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ट्रांसफ़र टैंक। नेक्स्ट हम इसको किस में भेज देते हैं? ट्रांसफ़र टैंक में। अच्छा, ट्रांसफ़र टैंक में भेजने से पहले ना हम यहाँ पे इसका क्वालिटी टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, अगर तो आपका पेंट्स के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट मौजूद, यानी कि रिक्वायर चीज़ें ज़रूरत होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं, उसके कलर सही है, उसमें थिकनेस सही है, उसकी फ्लूडिटी सही है, ईच एंड एवरीथिंग अगर परफेक्ट है तो उसको हम ट्रांसफ़र टैंक में भेजते हैं, वरना नहीं तो उसको दोबारा फिर रिसाइकल करते हैं। ये याद रखिएगा, अगर तो उसकी क्वालिटी सही है तो आगे भेजेंगे, अगर क्वालिटी सही नहीं है तो उसको वहीं पर रखेंगे। सही है, तो इसके बाद ट्रांसफ़र टैंक के बाद हमारे पास लास्ट वाली चीज़ होती है जी, वो होती है पैकिंग। लास्ट में क्या आ जाता है? पैकिंग आ जाती है। अब पैकिंग आपको पता है जी, मुख्तलिफ बाल्टियों में कर सकते हो, कैंस वगैरह के अंदर कर सकते हो, या आपकी अपनी मर्ज़ी है, या कंपनी डिसाइड करती है जिसमें भी पैकिंग करनी हो पेंट की। सही है, छोटे छोटे डिब्बों के अंदर भी हम पैकिंग कर रहे होते हैं,
बाल्टियों के अंदर भी पेंट्स वगैरह की पैकिंग कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास आ गया जी पैकिंग। पैकिंग क्या होता है जी, इस तरह नीचे से कन्वेयर बेल्ट लगा होता है, या ऐसा ऐसा डिब्बे खुद ब खुद आगे की तरफ मूव करते जाते हैं और इसके अंदर पेंट भरता जाता है, पेंट भरता जाता है। तो ट्रांसफ़र टैंक से डायरेक्ट पैकिंग होती है, पैकिंग होने के बाद आपके यही चीज़ चली जाती है कस्टमर के पास, कस्टमर के पास। बस ये सिंपल सी बात याद रखनी है। ये तो जी हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट, सिंपल सी बात याद रखनी है। मैन्युफैक्चरिंग में चार चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है, पिगमेंट्स, थिनर, व्हीकल ऑयल और प्लास्टिसाइड, सबको इकट्ठा करके इसको मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद हम इसको ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करने में थिनिंग टैंक में ले जाते हैं। थिनिंग टैंक में क्या करते हैं कि मुख्तलिफ सॉल्वेंट वगैरह डाल के उसका जो पेस्ट सा मैस बना लेते हैं, जिस तरह का पेंट हमारे पास आता है डिब्बे के अंदर उस तरह का मैस बना लेते हैं। इसके बाद क्वालिटी टेस्ट होता है, क्वालिटी टेस्ट अगर पास होता है तो नेक्स्ट ट्रांसफ़र टैंक के अंदर भेज दिया जाता है। ट्रांसफ़र टैंक में क्या होता है जी, जिस तरह की पैकिंग करनी होती है डिब्बों के अंदर करनी है, जिसमें करनी है पैकिंग, ट्रांसफ़र टैंक से उन डिब्बों के अंदर भर दिया जाता है पेंट। यह था जी हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट, यही हमारे पास आज के लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा।